वेलकम टू द टॉपर स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स एंड इन दिस वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और हमें इसकी थोड़ा सा स्टडी करनी है और इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये मैथ्स सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये इसकी पार्ट वन वीडियो है। पार्ट टू वीडियो भी बहुत जल्द बनाई जाएगी। ठीक है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्क एंड टाइम पर बेस्ड जो भी वीडियो होती हैं, इनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है यूनिटरी मेथड। क्या होता है? यूनिटरी मेथड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि 5 पेन कॉस्ट 50 रुपीज़, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू हाउ मच। सी, 1 पेन का कॉस्ट यहाँ पर पूछा गया है और 5 पेन का कॉस्ट यहाँ पर बताया गया है। पूछा क्या गया है? कॉस्ट। तो जो चीज़ पूछी जाती है उसको हम कहाँ रखते हैं? राइट हैंड साइड में। क्या चीज़? जो पूछा जाए उसे हम कहाँ रखते हैं? राइट हैंड साइड में, यानी कि इक्वल टू के इधर। और इधर क्या रखते हैं? जो बताया गया हो, बताया गया हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अभी हमें 5 पेन का कॉस्ट बताया गया है तो हम क्या रख लेंगे भाई? 5 पेंस कॉस्ट इज इक्वल टू 50, सो 1 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू। अब एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है, थोड़ा सा हमें क्या लगाना है, दिमाग लगाना है कि अगर हम किसी भी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी की अगर हम प्राइस पता करना चाहते हैं या फिर कुछ चीज़ पता करना चाहते हैं तो वो हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई। और अगर किसी चीज़ की कम में पता करना चाहते हैं वैल्यू तो वो हमेशा क्या होगी? डिवाइड। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए, 1 पेन की कॉस्ट, तो 5 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, तो 1 पेन की कॉस्ट जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम होगी। तो कम के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड। 5 को नीचे ले आएंगे, डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़। बोलो भाई, बहुत ज़्यादा स्मॉल और छोटा सा बेसिक एग्जांपल था ये, जिससे कि हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले हमें देखना है एक फॉर्मूला कि भाई इफ़ अ मैन कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, मतलब अगर एक आदमी है जो किसी काम को एक्स दिन में कर दे रहा है तो उसका 1 डे वर्क कितना होगा? 1/x। बोलो भाई, कितना होगा? 1/x। ठीक है, और अगर इफ अ मैन कैन डू 1/x पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे, सो ही विल टेक एक्स डेज टू कंप्लीट दैट जॉब। मतलब अगर कोई आदमी किसी काम का 1/x हिस्सा एक दिन में कर दे रहा है तो मतलब उसे एक्स दिन लगेंगे उस पूरे काम को करने के लिए। आई थिंक इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इफ़ ए टेक्स टू फिनिश अ वर्क एंड टाइम टू, देखो, इफ़ ए कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज, फॉर एग्जांपल, इफ़ देखिएगा, ए कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज एंड बी कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क इन
वाई डेज। तो ए का वन डे वर्क, ए इज़ वन डे वर्क कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया फॉर्मूले से, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। और इसी तरह बी इज़ वन डे वर्क कितना हो जाएगा, वन अपॉन वाई हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोथ कैन डू दैट वर्क टुगेदर इन हाउ मच डेज, हाउ मच डेज। तुम्हें क्या करना है, एड एंड रेसिप्रोकल, इन दोनों को जोड़ के इनका रेसिप्रोकल करना है, बस इतनी सी बात है। तो इनको जोड़ेंगे, ये फॉर्मूला निकाला जा रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एक्स वाई, तो ये वाई प्लस एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो यह आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब है कि अगर ए का काम बता दिया गया और बी का काम बता दिया गया और पूछा गया कि ये टुगेदर कितने टाइम में कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, ए बी इंटू और ए प्लस बी। तो इससे निकल आएगा कि टुगेदर वो कितने दिन में काम कर सकते हैं। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल का जो क्वेश्चन है वो मेरा यही है कि भाई ए कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज, तो फाइंड हिज वन डे वर्क, उसके एक दिन का वर्क क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी जॉब को वो 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन के वर्क कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो वर्क पूछा जा रहा है, तो वर्क को हम कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड में, मतलब ये 30 डेज में काम कर रहा है, कितना, एक, तो एक दिन में काम करेगा कितना, 1/30, काम का 1/30 हिस्सा करेगा, ठीक है। तो इतना पार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए जो है वो 10 दिन में काम करेगा, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, ठीक है भाई। तो अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि हाउ मैनी डेज विल दे डू दैट वर्क व्हेन दे वर्क टुगेदर, तो टुगेदर अगर ये काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो मैंने आपको एक आसान सा फॉर्मूला बताया था, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ये एक तरह से ट्रिक है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप निकालने बैठेंगे कि एक दिन का काम 1/10, दो दिन का काम 1/15, तो दिस विल नॉट वर्क। तो चुपचाप हमें इसमें वैल्यू रखनी है, ए का 10 है तो यहाँ रखना है 10 इंटू बी 15, तो यहाँ 15 अपॉन यहाँ 10 प्लस 15, तो यहाँ हो गया 150 अपॉन ये 25, ठीक है। और ये जब कैंसिल करोगे आप तो आ जाएगा 6 डेज, मतलब ए और बी अगर टुगेदर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 6 डेज। बोलो भाई, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है ए एंड बी टुगेदर अगर काम करते हैं तो ये किसी काम को 6 डेज में ख़त्म कर देते हैं, और जो बी है कैन डू दैट वर्क इन 15 डेज, कितना, 15 डेज, मतलब ए और बी काम करेंगे तो 6 डेज, और बी काम करेगा तो 15 डेज में हो जाएगा वो काम। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू दैट वर्क, तो ए अगर अकेला काम करेगा तो उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो भाई हम देखते हैं कि ए एंड बी इज वन डे वर्क, इनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 पार्ट, ठीक है। अब जो बी के एक दिन का काम हो जाएगा वन डे वर्क, वो कितना हो जाएगा, 1/15 पार्ट, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम कर दे रहे हैं, इतना हिस्सा, और अगर ए और बी, अगर बी अकेला काम कर रहा है तो वो इतना हिस्सा पूरा कर दे रहा है। तो अगर ए अकेला काम करेगा तो क्या करेंगे,
ए प्लस बी वाले में से बी का काम घटा देंगे। तो ए प्लस बी का काम कितना है, 1/6। ए प्लस बी का काम कितना है, 1/6, तो इसमें से हम घटा देंगे 1/15, और माइनस करने के बाद में ये आ जाएगा आंसर। यानी कि अगर ए अकेले काम करे तो इसका रेसिप्रोकल करो भाई, तो कितना, ए अलोन कैन डू दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज, 10 डेज। बोलो भाई इतनी बात समझ में। अब कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, ए कंप्लीट, ए कंप्लीट वर्क इन 6 डेज, ठीक है। तो इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल फिनिश दैट जॉब। सिंपल सा बात है कि बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, जितना तेज बी है, ठीक है, मतलब बी ट्वाइस है। अगर ए 2 की रफ्तार से काम कर रहा है तो बी 4 की रफ्तार से काम कर रहा है, ठीक है भाई। और ए को जो है 6 दिन लग रहे हैं, तो उसी काम को बी को करने में कितना लगेगा, बी उसी काम को आधे ही टाइम में कर लेगा क्योंकि 2 गुना तेज है। तो बी विल रिक्वायर 3 डेज टू फिनिश दैट जॉब, मतलब बी को 3 दिन लगेंगे और ए को कितना दिन लग रहा है, 6 दिन। तो क्या पूछ रहा है, टुगेदर, एक यही घुमा करके एक स्टेटमेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, बस बाकी सारा क्वेश्चन पुराने की तरह है। सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से अपने। तो टुगेदर वाले के लिए क्या फार्मूला है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी लगा देते हैं भाई। तो ये है 6 × 3 अपॉन 6 + 3 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, मतलब ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश जॉब इन 2 डेज ओनली। बोलो भाई, तो ये जो है 2 दिन में ही काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 5th और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए कैन डू वर्क इन 10 डेज, ए जो है वो 10 दिन में काम कर लेगा, ठीक है, और बी कैन डू दैट वर्क इन 12 डेज, बी उसी काम को 12 दिन में करेगा, और सी जो है वो उसी काम को 15 दिन में करेगा, ठीक है। इफ़ ऑल थ्री वर्क फॉर 2 डे, तो ऑल थ्री वर्क फॉर 2 डेज, मतलब 2 दिन के लिए ये लोग काम करते हैं और फिर बी छुट्टी चला जाता है, ठीक है। तो बचते कौन है, ए और सी, तो ए और सी को कितना दिन लगेगा बाकी काम पूरा करने में, हाउ मच टाइम या डे या हाउ मैनी डे विल ए प्लस सी टेक। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई ए बी और सी इन सब के एक एक दिन का काम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए का 1 डे का काम, कितना हो जाएगा, 1/10, ऐसे बी का 1/12, ऐसे ही सी का 1/15। अब अगर ये लोग टुगेदर एक साथ मिल करके अगर ये लोग काम करते हैं तो क्या करेंगे भाई, हम इनको जोड़ के उसका रेसिप्रोकल, इनको जोड़िए एक साथ काम कर रहे हैं तो ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे, तो ए को जोड़ेंगे 1/10 अपॉन 1/12 अपॉन 1/15, 60 ले लिया एलसीएम इनका, अभी आ गया 6 + 5 + 4, ये हो गया 15/60, रेसिप्रोकल करो 60/15, यानी कि 4, यानी कि 4 दिन में अगर ये लोग साथ में काम करें तो दे कैन कंप्लीट दैट जॉब। तो अभी क्या है कि काम 2 दिन तक चला था, 2 दिन तक चलने के मतलब
हाफ वर्क वॉज कम्प्लीटेड, हाफ वर्क वॉज कम्प्लीटेड, आधा काम करने के बाद ही जो है वो गायब हुआ था, ठीक है। तो अब देखते हैं ए एंड सी, ए प्लस सी, अब बी भाग गया, बी जॉब छोड़ के भाग गया, तो ए एंड सी वन डे वर्क, ए और सी के वन डे वर्क कितना हो जाएगा, देखिए ए का 1/10 है और इसका 15 है, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं इसको थोड़ा स्पेस लेकर के, तो 1/10 प्लस 1/15, तो ये हो गया 150, 30 लेते हैं एलसीएम, 30, तो ये हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5/30, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 30/5 यानी कि 6 days, बोलो भाई, ठीक है। इसका मतलब कि ये हाँ 6 days लेगा ए एंड ए प्लस सी पूरा काम करने के लिए, लेकिन आधा काम तो हो चुका है, तो काम कितना करना है, आधा, तो इसको क्या करो, बचे हुए काम को यानी कि टोटल वर्क को करने के लिए ए और सी कितना काम ले, कितना दिन लेते, 6 दिन, तो हाफ वर्क को करने के लिए कितना दिन लेंगे, 6/2 यानी कि 3 days, यानी कि बचे हुए काम को करने के लिए कितना टाइम लेंगे, 3 days, तो ये आ गया आंसर। तो इस तरह से हमें समझ बूझ के अपना थोड़ा सा सेंस लगा करके हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने थोड़ा सा इंट्रो देख लिया है और 5 questions भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगा, टिल देन प्लीज़ हेल्प अस एंड सपोर्ट अस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।